अरे एक महीने का, एक महीने में आ जाएगी मम्मी। घूम क्या हूँ, फिर तेरे को घुमाऊंगी बस। कान्हा जी चले अमेरिका। ऑफिशियली एंट्री हो गया अब आपकी यूएस में, इमिग्रेशन हो गया। क्या पूछा इमिग्रेशन वाले ने? चलो जी बाय बाय घर, मिलेंगे अब एक डेढ़ साल बाद कभी। So what's up guys, welcome back to our channel. So ये finally वो दिन आ चुका है जब हम छोड़ के जाएंगे इंडिया को वापस यूएसए। इस बार कितनी जल्दी टाइम गुजरा ना, पता ही नहीं चला है। वो हर बार ही ऐसे ही होता है, बल्कि इस बार तो हम यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए थे, पूरे दो महीने के लिए थे, तब भी ऐसा ही लग रहा है कि टाइम ऐसे ऐसे गुजर जाता है। ऐसा लगता है कि दो तीन दिन पहले ही तो आए थे और ऐसे गुजर गया टाइम है। बट फिलहाल अभी आपको ना हमारे चेहरे पे थोड़ी सी ऐसे खुशी दिख रही होगी, क्योंकि इस बार हमारे साथ मम्मी पापा भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो पूरे पापा पूरे एकदम तैयार होकर के बैठे हैं। मम्मी पापा की होने वाली है पहली इंटरनेशनल ट्रिप। हाँ। तो इससे पहले पापा आप सिर्फ मुंबई और कहाँ बैंगलोर गए थे, है ना? मुंबई, बैंगलोर और केरला। तो मैं इन सब जगह घुमा हूँ। और एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा, यार तुम ये बताओ कि आपको बेटा बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी बुढ़ापे का सहारा होती है? मैंने सोचने लगा कि बेटी है बेटा। इसलिए बुढ़ापे का सहारा ना बेटा है ना बेटी है, सिर्फ बहू। ठीक है, तो ये था पापा का आज का ज्ञान। तो आई होप आपने भी सुन लिया होगा और आपको भी समझ आया होगा। और मम्मी अपना अंदर तैयार होने में लगी हुई है। मम्मी पूरी एक्साइटेड हो आज की ट्रिप के लिए, है पहली इंटरनेशनल ट्रिप होने वाली है आपकी। घर के पापा ने 10-20 चक्कर काट चुकी, इधर से उधर। पागल हो रही है मम्मी। बट हमारे बस एक मतलब दुख है कि मम्मी मौसी और चाचा यहाँ पे रह जाएंगे अकेले। क्या करो मौसी, देख आंसू हो गया। अरे अरे मौसी क्या हो गया? एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचे, आंसू रोते हुए आएगी देख लेना। सबसे बड़ी बात है हम कभी अकेले रहे नहीं, भैया का हमेशा मेरे साथ रहा। तो बस आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं हमारी जर्नी कैसे होने वाली है और कुछ कुछ आपको टिप्स भी देने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और ये बैग देखो कितने सारे हम बैग लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पास ना 7 लाइन से वहाँ तक 7 बड़े बैग है और 3 छोटे बैग है और पिट्ठू बैग जो है वो अलग से। तो हमने इतना सादा, मतलब आप सोच सकते हो कि कितना सारा सामान हमने पैक किया होगा इस बारी है? हाँ, मतलब इस बारी मैंने जो अपने साथ सामान नहीं लेके जा पाई थी ना बाकी पिछली दो ट्रिप्स में, इस बारी मैंने सब सामान पैक कर लिया। हालांकि हम वीडियो नहीं बना पाए, शूट नहीं कर पाए कि हमने क्या क्या रखा है, ना पैक करते टाइम ना खरीदते टाइम, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया इतना। बट सारी चीजों की अनबॉक्सिंग करते हुए वीडियो जरूर दिखाएं कि इंडिया से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो यूएस तो आपको क्या क्या चीजें लेके आनी चाहिए। हाँ, फिलहाल अभी जल्दी से ना इन सब की क्या कहते हैं वेट चेक कर लेते हैं क्योंकि आप सिर्फ 23 kg तक का ही सामान, मतलब एक बैग जो है वो 23 kg तक का ही हो सकता है, यानी कि 50 lbs, तो वो चेक कर लेते हैं। और इस बार हमारे पास एडवांटेज ये कि हमारी एमिरेट्स की फ्लाइट है तो उसमें पर पर्सन 2 बैग्स अलाउड होते हैं बड़े वाले। लाइट वेट बड़ी उठा भी दे बस, ये काला काला बांध दो, ये निशानी रह जाएगी बैग की, तो वहां पे ना लिख के चिपका दो नंबर फोन नंबर। नहीं नहीं, ये बांधो कुछ निशानी रह जाती है, बैग ढूंढने में इजी होता है। सारे बैग तोल लिए और सारे के सारे बैग 23 kg से ज्यादा है। कितने एक बैग है जिसमें गुंजाइश है वो भी कितनी, 100-200 ग्राम की होगी अब या 300-400 ग्राम, मतलब वो भी हमने इसीलिए मार्जिन रखा है कि किसी में ऐसा हो कि निकालना पड़े तो हम उस वाले बैग। को लग रहा मैंने ना अपने 4 बैग गिने थे और एक जो मैं नीचे से बाद में नया लेके आई थी ना ऊपर वो मैं गिनना भूल गई। तो हम तब से लेके अब तक ना ये सोच रहे थे कि हमारे पास 7 बैग है, बट आज गिनने के बाद पता चला कि भाई से तो 8 बैग है। और हम पता है बीच में एक और बैग भरने की बात कर रहे थे कि यार 7 हैं तो एक और भर लें क्या, एक और ले ले। वो तो मैंने बोला कि मैंने कहा नहीं यार रहने देते हैं, ये नहीं पता था कि वो पूरे 8 ही है। यहाँ मम्मी अपने कान्हा जी पैक कर रहे हैं। अरे कान्हा जी की टोपी है ये। हेलो बाड़ी, बाय बाय। यूएसए जा रहे हैं हम, चलोगे? हम भी आएंगे, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। तो जी फिलहाल अभी यहाँ पे रुके हैं, एयरपोर्ट जस्ट आने वाला था बट थोड़ी पहले रुक गए क्योंकि ताने के मम्मी पापा भी आ रहे हैं, तो वो भी कह रहे थे कि पहले थोड़ा सा रुक जाओ एंड देन साथ में चल लेंगे। तो बस उनके लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट में वो आ जाएंगे एंड देन निकलते हैं। एंड पंगा ये है कि ना यहाँ पे रुकना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा रिस्क है यहाँ पे रुकने में क्योंकि पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं एंड देन हमें निकलना पड़ेगा।
जैसे ही मिलने की पुलिस आ गई पता, बट सही टाइम पे आई है पुलिस भी, होता तेरे पापा आ चुके वो भाई भगा दिया इन्होंने यहाँ से। भाई सब पूरी एक्सरसाइज हो गई। अच्छा एक और रह गया, एक बैग रह गया। अरे अरे एक महीने का, एक महीने में आ जाएगी मम्मी। घूम क्या हूँ फिर तेरे को घुमाऊंगी बस। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ओके कहाँ जा रहे हो भाई साहब? गेट तक। चलो बाय बाय। ठीक है इतने सारे बैग ले जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है आज ही जा रही हूँ मैं, पहली बार ही यूएस क्योंकि अपन हमेशा लोगों को देखा रहता है बैग भर के ले जाते हैं और हम हमेशा एक या दो ही बैग लेके जाते थे। चल ठीक है तू जा। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अरे अरे आशु टपका टपका क्या मुझे एयरपोर्ट के अंदर तो एंट्री हो गया हमारे यहाँ और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन हो गया था। सब ऐसे इमोशनल से हो गए थे कि हम जा रहे हैं और मम्मी भी जा रही है, तो मौसी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मौसी अब अकेले हो जाएगी, एक महीने की बात है बट कोई नहीं है काम चल जाएगा तब तक। तो ये फाइनली एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो चुकी है एंड बाहर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मामला हो गया था यार, सारे फैमिली वाले ऐसे इमोशनल से हो गए थे। मतलब उस टाइम पे ऐसा मन सा करता है कि छोड़ यार नहीं जाना है, बट क्या कर सकते हैं यार, जाना तो पड़ेगा। और पता है मौसी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी क्योंकि मौसी ना अकेले हो जाएगी, बट कोई नहीं एक महीने की बात है क्योंकि एक महीने बाद मम्मी आप आ ही जाएंगे वापस। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम बोर्डिंग पास निकलवाने, तो बोर्डिंग पास में क्या होगा ना हमारा सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी फ्लाइट नंबर है, कितने बजे बोर्ड करेगी, कौन से गेट से बोर्ड करेगी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन होती है एंड वो सब जा रहे हैं मम्मी पापा। एंड हमारे साथ एक और जना ऐड हो गया तो वो मेरे पापा के दोस्त, तो उनको वो अकेले जाने में थोड़ा सा घबरा रही थी, तो उनको भी हम अकंपनी कर लेंगे। तो ये जिस चीज़ का डर था वही हुआ। तो एक ही आपके पास हैंड बैगेज अलाउड है ऊपर ले जाने के लिए और हमने दो कर रखे थे, मतलब एक जो ये क्या कहते हैं इसको पर्सनल बैग और एक हमारा छोटा बैग, बट उन्होंने बोला कि आपके पास एक ही हैंड बैग अलाउड है, तो और हमारे पास तीन एक्स्ट्रा बैग थे। उन्होंने हमें ऑप्शन दिया या तो आप चेक इन करा दो, तो अगर चेक इन कराते हो तो आपको 19,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर बैग, या फिर आप क्या करो उस बैग का सामान किसी और बैग में डालो और आप एक्स्ट्रा बैगेज फ़ीस दे दो जो कि 7,000 है। तो हमने सोचा कि हम फिर एक्स्ट्रा बैगेज फ़ीस दे देंगे, तो अब क्या हो रहा है सामान की रीशफलिंग की जा रही है। हमने दो बैग तो कम कर दिए कैसे ना कैसे करके। वेट चेक करेगा वो, वेट हाँ वेट चेक करेगा यार। दो बैग का 26 केजी चला गया था और उन्होंने माफ कर दिया। अच्छा हाँ हो गया। पैसे लिए? नहीं लिए। बोर्डिंग पास अभी तुझे बताया हम गुम हो गए, चार चक्कर लगा लिए, नहीं हम आगे नहीं, ये उन्होंने कह दी यहाँ तो काम और आगे जाओ, हम आगे निकल गए वहाँ से वापस आए और ये भूल गए मम्मी वॉशरूम गई थी वॉशरूम में भूल गए। ये आपके दो बोर्डिंग पास है, एक यहाँ से दुबई का और दुबई से सियाटल का, ये आप रख लो। तो बोर्डिंग पास मिल चुका है मम्मी, अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पे वो हाँ वो बुलाना है। हाँ सिक्योरिटी चेकिंग होगा, नहीं उससे पहले इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन में क्या होगा कि वो ये पूरा रिकॉर्ड करते हैं कि आप इंडिया से इस तारीख को बाहर निकलोगे, ठीक है? तो अब पहले इमिग्रेशन करेंगे हम, ठीक है? इमिग्रेशन भी हो गया, मम्मी का सिक्योरिटी चेकिंग भी हो गया, मेरे काना जी अमेरिका जा रहे हैं, मम्मी ने काना जी को बाहर भी निकाल दिया है मम्मी। अमेरिका अमेरिका। अब आपको गेट नंबर के पास आना है, गेट नंबर आपको पता चलेगा बोर्डिंग पास से। तो बोर्डिंग पास पे गेट नंबर कितना? 19B। तो अब 19B पे चलना है, देखो ऊपर ना साइन बने हुए हैं 126 उधर जा रहा है तो हमें 19 पे जाना है, तो 126 उधर जा रहा है ना लेफ्ट में, तो हमें लेफ्ट में जाना है। कहाँ रह गए थे आप लोग? आप लोग कहाँ? अच्छा जुगाड़। अब देखो अब बताओ आप कहाँ जाओगे, कौन सा लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे? हाँ सीख गए हमें, देखा इधर जाएंगे ना। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और सब कैसा एक्साइटमेंट आ चुका है।
सब तैयार हो पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ने के लिए। अरे 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 पापा क्या हो गया, इतनी ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी। ये सब सामान मिला है आपको, ये तो ये आपको हेडफोन मिले हुए हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे लगा के आप मूवी देख सकते हो, जो आपको करने को कर सकते हो, ठीक है। ये मम्मी का हेडफोन हो गया, ठीक है, है ना, ये लो। और ये आपको मिली चादर, तो आपको ठंड लगेगी तो आप चादर ओढ़ सकते हो। कान्हा जी चले अमरीका। ऊपर देखो कहाँ जा रहे हैं, कनेक्शन की तरफ, कनेक्शन लिखा ना, कनेक्शन उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको कनेक्शन कनेक्ट करनी है, तो कनेक्शन उधर उधर देखो, उधर देखो सीधा सीधा। तो कहाँ पहुँच गए मम्मी? दुबई। ओहो, हबीबी कम टू दुबई है। तो कैसे रहा आप लोगों का सफर? मजा आ गया। अब तक का सफर मजा आ गया? तो ऊपर तो जाके पता भी नहीं लगता चल रहा नहीं चल रहा है। तो 17 घंटे में से 4 घंटे का सफर तो आपको हो गया, अब बचे 14 घंटे का सफर, 14 घंटे और झेलने हैं। हाँ, अब दुबई से सिएटल वाला बोर्डिंग पास निकालो अभी। हाँ, ये सिएटल वाला पास है। अब इसमें से मेरे को देख के बताओ कि आपकी फ्लाइट कब बोर्ड होगी, गेट नंबर क्या है और सीट क्या है। नोज के 5 मिनट पे सीट नंबर तो ये रहा। हाँ, गेट नंबर ये है ना, ये गेट नंबर थोड़े मम्मी, ये तो गेट क्लोज है, तो आपकी बोर्डिंग जो है वो 9:05 पे स्टार्ट होगी यहाँ के टाइम से। तो अभी यहाँ का टाइम कितना चल रहा है? नहीं नहीं, यहाँ का टाइम दुबई का दुबई 6:30 हो रहा है, तो आपके 3 घंटे है। अब देखो यहाँ पे गेट नहीं लिखा हुआ है कि कौन से गेट से होगा, आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना, हाँ तो क्या करना है आपको, वहाँ वो देख रहे हो स्क्रीन, वहाँ से जाके अपनी फ्लाइट नंबर देखनी है, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट नंबर कौन सी है, फ्लाइट नंबर, फ्लाइट का नेम, नेम क्या है, ये चलो वहाँ पे देखते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं क्या गेट है उसका। आइए बच्चों, अब इस पे EK0229 सर्च करो। B26 पे चलो फिर, चलो लेट्स मूव। तो ये दूसरा तरीका होता है गेट ढूंढने का, अगर आपके बोर्डिंग पास पे गेट ना लिखा हो आप ऐसे स्क्रीन चेक करके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है गेट चेंज हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो वो टिकट पे दूसरा गेट होता है। मम्मी से कान्हा जी को भी लिया साथ में, दुबई, कान्हा जी दुबई घूम रहे हैं। हाँ मम्मी सीख गए एकदम, मम्मी वो सबसे आगे चल रही है, तो गई लेकिन साथ साथ में चलो, साथ साथ चलो। मम्मी आगे आगे भाग रही है एकदम, यहाँ दुबई एयरपोर्ट पे बैठ के मम्मी को तलब लगी चाय पीने की। अभी थोड़ी देर के लिए पापा खो गए थे मेरे। नहीं, चांद में पता करने गया था कि धर्म का रेट क्या है, उसका रेट क्या है। तो आप बिना फोन में नेट डाले घूम रहे और हम यहाँ देख रहे हैं कि पापा कहाँ चले गए और यहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। एक पड़ाव एक पड़ाव पार करते हैं। ये आखिरी पड़ाव है बस। बस 14 घंटे की जर्नी होने वाली है, सबसे ज्यादा बोरिंग जर्नी और सबसे ज्यादा थकाने वाली जर्नी है ये। 14 घंटे में से आप 10 घंटे तो निकाल लेते हो कैसा लगे ऐसे करके, है ना, बट लास्ट के तो 4 घंटे होते हैं भाई साहब, वो नहीं निकलते। हाँ मूवी देखेंगे, मैं बैठूंगा कोने में, तेरे को मैं, अबे यार ये देखो। तो जी बैठ चुके हैं मिडल सीट में, वही चारों सीट से देख रहे हो ना, इधर से लेके जाता है हमारी है। देखो ये वाला फ्लाइट उस वाले फ्लाइट से अच्छी है ना, बेटर है, उससे बेटर है ना, कॉस्ट भी तो अच्छा है बेटर इसका। तो ये लंबी फ्लाइट है ना, और ये यूएस जा रही है। मैं कान्हा जी निकाल लिए बाहर, थोड़ी देर हवा खा लेंगे, थोड़ी देर हवा खा लेंगे। Thank you.
देख लो यहाँ बैठे बैठे आप सारा देख रहे जहाज के बाहर का। खोल के देखो इसमें टूथब्रश होगा, खोलो। आपके तो मजा आ रहे जो हमें भी नहीं मिला था, जो हम गए थे हमें भी नहीं मिला था, ये तो सही है। मम्मी को ठंड, मम्मी को ठंड लग रही, ठंड लग रही है। और मैंने कही थी ऊपर ही रखी, लाल वाले बैग में मैंने ऊपर ही रखी, तो ये मिल गई सॉक्स से पहले। मेरी बेटी और मेरे बेटे ने मजे करा रहे, हमने तो सोचा भी नहीं था, सपना भी नहीं देखा था। ये हमें भी मिल गया बट हमारा कलर दूसरा है, हमारा ब्लू। पापा मम्मी को ब्राउन था, तो ये पापा मम्मी को सर पे ठंड लग रही है, तो पापा ने तो कंबल ओढ़ लिया, मम्मी अपनी जैकेट पहन के आ रही है, अपनी जैकेट ओढ़ ली। पहली मील का टाइम हो चुका है और खाना आ चुका है, तो पापा क्या क्या आया बताओ? रेड वाइन ली और खाने में क्या क्या मिला आपको? खाने में वेज लिया है, सलाद है, फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स मिले हैं यहाँ पे, ये फिर एक डेजर्ट का टाइप कुछ दे रखा है, यहाँ पे एक क्रोसॉन दे रखा है। हमने ना एक चीज़ कहती है कि हमने ना प्री बुक नहीं करी मील, तो प्री बुक ना करने का ऐसा है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आपको नॉन वेज ही प्रोवाइड करते हैं, बट मम्मी और पापा वेजिटेरियन है, तो भी क्या होगा ना, वेजिटेरियन अगर वो अवेलेबल होगा तो फिर वो ला के देंगे। वैसे तो अवेलेबल हो ही जाता है बट हाँ थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में, तो इसलिए मम्मी को अभी मेन कोर्स नहीं मिला है, बाकी सब कुछ मिल चुका है। पैसे दिए हैं जी, हम इसका पूरा मजा उठाएंगे जी, अगर हम पैसे नहीं देते ना जी तो कुछ नहीं कर सकते, अरे पैसे दिए बैठे हैं जी। मतलब पापा कितनी तीसरी या चौथी बार जूस ला रहे हो आप, एप्पल जूस ले आए, वाइन ले आए, उसमें क्या है जी? अब ये कौन सा जूस है? ये ऑरेंज जूस है, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। फ्लाइट का मजा तो पापा ही उठा रहे हैं, पापा पूरा फायदा उठा रहे हैं। मम्मी पापा थक गए, नीचे आ गए, और बाकी क्योंकि ऑब्वियसली हमने प्री बुक नहीं की थी मील, तो जो वेजिटेरियन मील है वो जब इनके पास एक्स्ट्रा बचेगी तब वो ला के देंगे, एंड बाकी फिर से पापा ने ली है अपनी रेड वाइन। मजे आ रहे आपका तो। अगर मैं आपको पूरे पैसे वसूलने का कोई एग्जांपल दूँ ना, तो वो ये रहा, ये देख रहे हो इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो भी और पापा जो खा नहीं पाए या फिर हम भी नहीं खा पाए, सब मम्मी ने ना एक पन्नी में, और ये पन्नी कौन सी है पता है, कंबल वाली पन्नी, इसमें भर लिया, तो एक घर जाके खाएंगे। तो ये फाइनली हमारी थर्ड मिल आ चुकी है जो कि है पिज्ज़ा, और मेरे पीछे देख रहे हो सबके तोते उड़ चुके हैं। मम्मी पापा बेसुध होकर सो रहे हैं भाई साहब, और ऊपर से टाइम जो है हमारा अब सिर्फ और सिर्फ दो घंटे बचे, दो घंटे बचे बस हमारे लैंड करने में। पता चल गया है कि अब हम US पहुंचने वाले हैं, वो वाला टेस्ट आ गया है। ये गरम टॉवल है, तो इससे क्या करना है, आप मुंह वगैरह हाथ वगैरह पोंछ सकते हो, सो दैट आप फ्रेश फील करो, अभी नहाए वाए नहीं हो ना, मतलब मुंह पे ऐसे पोंछ सकते हो आप लगा के, तो आपका मुंह एकदम फ्रेश हो जाएगा ना। सीट की पॉकेट में चेक कर लेना कुछ रहना गया और सब है ना।
हाँ जी, कैसा रहा आपका सफर? 14 घंटे फ्लाइट में कैसे बिताए? मजा आ गया, मुझे पता ही चला मजा आ गया। मम्मी मम्मी की हालत खराब हो गई थोड़ी, बर्दाश्त नहीं मेरे। 14 घंटा मतलब प्लेन में बैठना आसान बात थोड़ी है, वो भी जब आप पहली बार बैठ रहे हो प्लेन में। हाँ, प्लेन में बैठना जब भी आप पहली बार बैठ रहे हो। मम्मी की हालत खराब हो गई। कहाँ पहुँच गए फिर हम? सियाटल जाने के, सियाटल जाने के मम्मी यूनाइटेड स्टेट्स। मगर अभी भी हमारी जर्नी जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी जो है वो आखिरी पड़ाव बाकी है, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ाव है जो कि है यूएस का इमिग्रेशन। अगर यूएस के इमिग्रेशन में हम पास हो गए तो हमें मम्मी एंट्री मिलेगी ऑफिशियली, नहीं तो हम हो जाएंगे। लूट मची पड़ी थी ट्रॉली के, मैं चार उठा रहा है। फ्री थी क्या? हाँ फ्री की है, वहाँ पे आके छोड़ दी थी उन्होंने, फ्री किया है तो उठाला है मैं चार। सही है, सही है, बढ़िया। एक बैग आया है, उसमें क्या गया? हाँ सारे आ गए। अलग ही वो मिलती है, क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलती है जब के सारे बैग आ जाए, 8 के 8 बैग, अलग सी राहत मिलती है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है। बता दिया ना उसको जाना, मैं दोनों पे देख रही बीच कर, इस पे ही आया वो, इस पे ही आया वो भी। अच्छा हाँ, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया कि 2302 बेल्ट पे आएगा। हाँ नहीं तो फिर ऐसा रहता है, बैग आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो फिर और झंझट। यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, पता है, पासपोर्ट कंट्रोल की, काफ़ी टाइम लगने वाला है। 3:30 हो गए, हम 2:30 बजे लाइन में लगे थे, लगा और आधा पौना घंटा और लगे। मम्मी बैठ गई है। क्या हुआ, ऑफिशियली एंट्री हो गया अब आपकी यूएस में? इमिग्रेशन हो गया, क्या पूछा इमिग्रेशन वाले ने? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। नहीं, पूछा कितने दिन हो गए। अच्छा, और पूछा तो था मेरे को सारी, लेकिन थोड़ी बहुत धीरे बोलते हैं। पहले जब चांद जवाब देता था ना, वो भी सोचा इसने ये पूछा है। अच्छा, सैलो ने उनको पूछा, वो तो मुझे समझ नहीं आया। बट आपने एक चीज नोटिस करी क्या, हम जब इंडिया से निकले थे तब 2 मई था, 2 मई की सुबह थी, यहाँ पे पहुंचे हैं अभी भी 2 मई है, 2 मई के अभी 3 बज रहे हैं और 17 घंटे ट्रैवल करके आए हूँ। फिलहाल अभी ऊबर बुक करते हैं और घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी थके पड़े हैं, 4 बज गए हमें, और ऊबर भी 2 करवानी पड़ेगी क्योंकि बैग हमारे पास बहुत सारे हैं, 8 तो बैग हैं और एक गाड़ी में सिर्फ 4 बैग आ पाएंगे। तो चलो ये आ जाएगा, ये भी चल, इसको साइड में रख दें, ट्रॉली को साइड में रख दें। तो जब इतने सारे बैग थे ऑब्वियसली एक ऊबर को आ नहीं सकती थी, तो 2 ऊबर करनी पड़ी है। एक ऊबर में चले गए ताने और मम्मी, और एक ऊबर में जाएंगे मैं और पापा, तो ये रही दूसरी। कैसा लगा आपको फिर दर्शन, यूएस दर्शन अभी तक का है? ऐसे लग रहा है जिसमें सब लोग ही नगरी में आ गया है मम्मी। बट अब आते हैं हमारा सबसे सबसे मुश्किल टास्क आता है हमारा, वो है ये बैग्स, देख रहे हो आप ये बैग जो है ये हमें ऊपर पहुंचाने 3rd फ्लोर तक, और हमारे जो अपार्टमेंट है उसमें लिफ्ट भी नहीं है, तो ये सब सीढ़ियों से पहुंचाने पड़ेंगे। पापा ने पूरा चला दिया ऊपर, मैं यहाँ पर ला के रख दी, पापा यहाँ से ऊपर ले गए। हमारे कितने 8 बैग थे, एक बैग हम एक बार में लेके जा रहे हैं, तो मतलब हमने 8 चक्कर लगा लिए सीढ़ियों के। वैसे तो 16 हो गए ऊपर नीचे को काउंट करें तो। ओ भाई साहब, आखिरी बचा ये और ये बस। हालत टाइट हो गई। तो जी फाइनली पापा ने वो घर देख ही लिया जो अभी तक सिर्फ व्हाट्सएप वीडियो पे देखा था, है बहुत खूबसूरत कमरे मकान है आपका, बहुत खूबसूरत घर बना रखा है, चांदनी वो अच्छे से मेंटेन कर रखा है। मम्मी ने देख पाई, मम्मी ने देख लिया, बट मम्मी जो है वो अलग रूम में रेस्ट करिए क्योंकि उनकी तबीयत ऑब्वियसली ठीक नहीं है। हाँ। तो 5-6 घंटे वो रेस्ट करने के बाद थोड़ी सी शायद फिर ठीक हो जाए। हाँ।
एंड हम भी बस इसी के साथ करते हैं इस वक्त की समाप्ति, क्योंकि हम भी थक गए हैं, अब हम भी आराम करेंगे। तो बस ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।